दोस्तों आज हम बात करने वाले 30x50 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसे मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सा प्लान है जिसको मैंने डिफाइन किया है 30x50 फीट में। 30 फीट इसकी चौड़ाई है, और अगर हम बात करें लंबाई की तो 50 फीट इसकी लंबाई है। इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो बने इस वीडियो में लगातार। मैं हूँ पवन छाकड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ, इससे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते हैं। मैंने पेड सर्विस भी स्टार्ट कर रखी है। अगर आप किसी भी तरीके से घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर हमें 50% पेमेंट एडवांस देना पड़ता है आपको, और 50 बाद में। इसका विशेष ध्यान रखना होता है। तो जो आज का मॉडल 30x50 फीट में, वो विथ कार पार्किंग विथ ग्राउंड वगैरह क्रिएट किया देख पा रहे होंगे आप। इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे, और पूरा फ्रंट के लुक की बात करें तो सिंपल सा और बेहतरीन सा लुक आपको ग्लास रेलिंग और वगैरह सब देखने को मिलती है। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की अगर बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। अगर हम जूम करके इसे दिखाएं तो ये कार पार्किंग का एरिया है, जहाँ पर आप कार पार्किंग करेंगे। ये ग्रीन एरिया है, और ये शीशे स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये मिल जाता है एक बड़ा सा बेडरूम, ये आप देख पा रहे होंगे। मैंने व्हाइट कलर रखा है इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से कम से हो सकता दिख रहा हो। ये पूरा एक बड़ा सा बेडरूम है जिसमें मैंने एक डोर और दो विंडो दे रखी हैं साइड से। फ्रंट का बात करें तो इधर पर ये मेन डोर है जहाँ से आप एंट्री करेंगे। इसके बाद आप ये किचन एरिया आपको मिल जाता है ये पूरा, जिसमें आपको दो विंडो देखने को मिलती हैं। इस गैलरी के माध्यम से आप अंदर जाएंगे तो आपको इस कॉर्नर पर एक बड़ा सा बेडरूम मिलता है। इस बेडरूम और इस बेडरूम दोनों के बीच में लेटर्न बाथ, इधर आपकी स्टेयर्स और यही डाइनिंग एरिया भी आपको मिल जाता है। तो 30x50 में कार पार्किंग, ग्रीन एरिया, दो बेडरूम और आपका लेट एंड बाथ, साथ साथ किचन और लिविंग एरिया, स्टेयर्स वगैरह पूरा डिटेल मिल जाता है। तो ये अगर हम बात करें यहाँ फ्रंट की, ये 30 फिट है, और ये आपका 50 फिट है, और ये आपकी लाइट वगैरह मैंने यहाँ पर डेकोरेट की है। तो ये ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई। अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर, तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर है जिसमें सब कुछ वही है। देखिएगा दोनों बेडरूम्स वही हैं, किचन, लिविंग एरिया वगैरह सब कुछ वही है। सिर्फ आगे का जो कार पार्किंग का एरिया था वो आपको एक बालकनी टाइप का बनाकर मैंने दिया है, और रेलिंग भी आपको थोड़ी स्टाइलिश ये डिजाइनिंग के तौर पर मैंने एक चीज़ क्रिएट की है, और ये ग्लास के रेलिंग मैं यहाँ पर क्रिएट किया। तो ये फर्स्ट फ्लोर की अगर बात करें, यहाँ पर दो बेडरूम, बड़े से लेट बाथ, किचन वगैरह, और पार्किंग का सॉरी आपका जो बालकनी है वो बड़ी सी देखने को मिल जाती है। तो ये पूरा मॉडल, ये अगर हम बात करें 30x50 का फर्स्ट फ्लोर था। लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर पर ये आपको देखने को मिलता है। सब कुछ हटाकर सिर्फ जो किचन वाला एरिया था उसमें मैंने एक बेडरूम क्रिएट कर दिया, और फ्रंट में रेलिंग के लिए देखिए कि डिजाइनिंग के पर्पज़ से कुछ चीज़ें रेलिंग क्रिएट कर दी। इधर ग्लास की रेलिंग, स्टेयर्स में मैंने गुमटी नहीं क्रिएट की है, कॉर्नर पर आप गुमटी क्रिएट करेंगे जिससे यहाँ से आप ऊपर आ पाएंगे। तो ये पूरा प्लान था जो यहाँ पर रही कार पार्किंग का है। ये पिलर्स वगैरह डिजाइनिंग के तौर पर मैंने क्रिएट किए हैं। कुछ यहाँ पर जो रेड कलर का आप मटेरियल देख रहे हैं ये यूज किया है। तो सभी में बेडरूम वगैरह, डोर वगैरह सब कुछ मैंने डिफाइन कर दिया 30x50 फिट। तो ये मॉडल हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर डिज़ाइन किया था। अगर आप भी कोई मॉडल डिज़ाइन कराना चाहते हैं, हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो नंबर डिस्क्रिप्शन में आप कांटेक्ट करके, आप उनसे बात करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करवा सकते हैं। तो इस ये मॉडल आपको जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक्स।